विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर में बारिश और नुकसान का मुद्दा उठाया। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में टीकाराम जूली ने यूसीसी के मुद्दे पर भी बातचीत की और बीजेपी पर निशाना साधा। टीकाराम जूली से खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। सदन में पेयजल को लेकर चर्चाओं का दौर है। पेयजल की राजस्थान में स्थिति कैसी है, और क्योंकि देश में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो डार्क जोन में आता है, तो ऐसे में पेयजल का संकट यहाँ हमेशा रहता है। हमारे साथ है लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली जी। जूली जी, पानी को लेकर है, पानी बरस भी रहा है लेकिन राजस्थान में क्योंकि सरफेस वाटर वेस्टेज होता है और पहले से ही राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है पानी को लेकर बहुत ज्यादा संकट में रहती है। अनिश्चित तौर पर, क्योंकि जो देश का जो भूभाग है राजस्थान का वो 10% है और पानी में जो हिस्सा है वो 1% है, और इस वजह से हमेशा ही क्राइसिस रहा है। और मैं समझता हूँ हर बार लगभग आधा प्रदेश सूखा रह जाता है। सरकारों ने काफ़ी प्रयास भी किए गए, पहले हमारी सरकारों ने काम भी किया, काफ़ी इस पे बजट भी खर्च किया, काफ़ी योजनाएं भी बनी जिनका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन आज भी सबसे पहले हम अगर बात करें बरसात हो रही है, अच्छा बारिश हो रही है, उस दृष्टि से भी अगर अपन देखें तो राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है वो राजस्थान की जितनी जरूरत है उससे दुगनी होती है, लेकिन हम उस पानी को बचाते नहीं है, वो किसी न किसी माध्यम से बहके निकल जाता है। आज जरूरत है सबसे पहले उसको सहेजने की। पानी पे बड़ी व्यापक चर्चा हुई है, जब तक हम पानी को संचय नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। पानी की बचत ही सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जो चंबल का पानी बह के निकल रहा है, एमओयू की बात है, ईआरसीपी लाने की बात है, उन सब चीज़ों पर भी चर्चा करें तो अभी तक सरकार जो है 6 महीने से एमओयू नहीं दे पाई है, और कहीं ना कहीं ये खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान के हितों से समझौता हो गया और पहले जितना यमुना जल समझौते को लेकर भी ऐसी चर्चा है। हाँ, उसकी बात करता हूँ। पहले जितना पानी आना था उससे आधे ही पानी का एमओयू हुआ है। यमुना जल समझौते की भी बात करें तो जो 2400 MCF पानी जो आना था है वहां आएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी आएगा वो राजस्थान को मिलेगा, तो मैं समझता हूँ वो बात ही मुश्किल लग रही है। और उसमें भी हरियाणा जो समझौते के तहत जो रेशो है वो खुद की पूर्ति होने के बाद जो बचेगा तो देगा, ये नहीं है कि जितना पानी आए उसमें से जो रेशो बनता है वो मिल जाए, वो नहीं कर रहा है हरियाणा, तो ये स्थिति बन रही है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों ने कहा, घनश्याम मेहर वगैरह ने, कि ईआरसीपी कई कागजों में दबके न रह जाए। अभी तक जो काम हुआ है वो हमारी सरकार ने किया है। वसुंधरा जी ने योजना बनाई थी लेकिन इसको मूर्त देने का काम हमने किया। मोदी जी 2 बार घोषणा करके गए, अजमेर में और जयपुर में। राजस्थान के जल शक्ति मंत्री रहे, 25-25 सांसद दिए लेकिन 1 पैसा उन्होंने नहीं दिया, और अब की बार भी इस बजट में भी 1 रुपया नहीं दिया। ईआरसीपी पे अगर कोई पैसा दिया है तो हमारी गहलोत सरकार ने दिया है। 9600 करोड़ रुपए के जो टेंडर हुए हैं और ईसरदार नवनेरा बांध जो बन रहे हैं बने हैं वो हमारी सरकार ने दिए हैं। अभी तक इन लोगों ने भी कोई 1 पैसा नया मंजूर नहीं किया है, न भारत सरकार ने बजट में कुछ दिया है, तो ये तो सिर्फ एक दिखावा है, कोई लेना देने का इनका मतलब ही नहीं है, इनको चिंता ही नहीं राजस्थान की। हमसे 2 सांसद कम है बिहार के, 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसे ले गए। हमसे 2 सांसद ज्यादा हैं आंध्र प्रदेश के, वो भी 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसे ले गए। तो ये जो राजस्थान का जो हक था, जो मिलना था वो मिला नहीं। अब चाहे पक्ष विपक्ष के नाते हम चाहे कोई भी बात कहें, हकीकत यही है कि बीजेपी की जो सरकार है ये अपना पक्ष मजबूती से रख नहीं पा रही। मोदी जी इनको तवज्जो नहीं दे रहे, बजट में कुछ मिला नहीं, और उसका खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे, केंद्र सरकार की मंशाएं सामने आ चुकी हैं। अभी एक बार आए राजस्थान में किस प्रकार से लोग करना चाहते हैं, एक बार पूरा जो इनका बिल है वो आता है तो फिर उस पर अपन बात करेंगे। फिर भी क्या लगता है आपका, क्या इस पूरे मसले पर विचार है? देखिए, मैं एक बार जो पूरी ये चीज आ जाए जब फिर मैं पूरा बता पाऊंगा। वैसे इन लोगों की मंशा सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे मुद्दों को उछालना और फिर वोट लेके उसका फायदा उठाने का ही रहा है। इनका उन चीजों पे विश्वास नहीं है जिससे कि देश तरक्की करे। तो आज आप देख रहे होंगे पिछले 6-8 महीनों में जिस प्रकार से इन लोगों के भाषा है, भाषण है,
मंत्रियों का काम है वो सब आपको नजर आ जाएगा कि कतनी और करनी में कितना अंतर है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और राजस्थान में भी ये मांग उठी थी, तो विपक्ष के नेता के नाते क्या कहेंगे? नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमारी पहले से डिमांड है, आज भी डिमांड है कि जातिगत जनगणना कराने से डर क्यों रहे हैं, एक बार पता तो चले ना। पूरे देश की जो जातिगत जनगणना हो, पूरा सर्वेक्षण सामने आ जाएगा, किस जाति का क्या स्टेटस है, किस स्थिति में है, सब पता चल जाएगा। तो उसको कराने से सरकार क्यों डर रही है? क्योंकि ओबीसी एक सबसे बड़ी कम्युनिटी है, एससी एसटी से भी ज्यादा ओबीसी है, तो वो कम्युनिटी निकल के तो आए, पता तो चले उसका, लेकिन ये लोग चाहते नहीं। एक जो बड़ा मुद्दा रहा जिसको लेकर कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया है, अब संसद से लेकर सड़क तक, मतलब सदन से लेकर सड़क तक बिजली की कटौती, पानी के मुद्दे पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारी सरकार ने कभी कमी नहीं आने दी। दूसरी बात मैं कहता हूँ, कभी कमी भी आई किसी भी सरकार में, और अगर बरसात होगी तो वो कमी खत्म होगी। ये पहली ऐसी सरकार है कि आज बारिश हो रही है उसके बावजूद राजस्थान के अंदर बिजली की कमी है, पूरी पूरी रात बिजली नहीं दी जा रही है, पूरे दिन मजदूर काम करके आता है शाम को घर के अंदर, पूरे दिन किसान मजदूरी करके शाम को घर के अंदर आता है, तो महिलाएं उस समय खाना बनाती हैं, बच्चों का पढ़ाई का समय है, इस समय जो सांप बिच्छू जानवर कीट पतंगे इनका बहुत बड़ा डर है, इस समय ये सारे निकल रहे हैं, ऐसे समय में रात के एक एक दो दो बजे तक पूरी पूरी रात बिजली नहीं आए और सरकार कोई व्यवस्था नहीं करे, एक दिन नहीं आए, दो दिन नहीं आए, पांच दिन नहीं आए, दो दो महीने होता है, दो महीने से हालत बिगड़े पड़े हैं, सरकार जवाब नहीं देना चाहती, कहते सारी व्यवस्था सही है, आज जो स्थिति है कांग्रेस की वजह से, अरे आठ महीने हो गए आपको आए हुए, कांग्रेस को कब तक कोसोगे? और जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली जी ने जो बात कही वो यही कि बिजली और पानी का मुद्दा, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन में जुट चुकी है, सड़क पर सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जाएंगे, लेकिन सदन के अंदर भी सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने का जो क्रम है वो जारी रहेगा। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।